नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीन मूवियों के बारे में। सबसे पहली मूवी है जो कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन के बारे में। वहीं बात करेंगे दो कि दोनों मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि यह फिल्म दूसरे दिन कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही है। और वहीं बात करेंगे जो कि तीसरी मूवी जो कि अक्षय कुमार स्टारर फिल्म मिशन रानीगंज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि यह फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपया कारोबार कर रही है और इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और साथ ही साथ ये दोनों मूवियाँ जो कि बॉक्स ऑफिस पर कितनी जोरदार और कितनी धमाकेदार तरीके से जो कि कलेक्शन दो मूवियाँ कर रही हैं और तीसरी मूवियाँ क्रेज और बस कितना ज़्यादा बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारा और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी के बारे में। तो आप लोगों को पता ही चले कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी जो कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार फिल्म है। टाइगर 3 मूवी जो कि इस फिल्म का क्रेज और बस तो बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता ही चले कि टाइगर 3 मूवी में आप लोगों को सलमान खान का बहुत ही डिफरेंट लुक देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी बहुत ही धमाकेदार भी होने वाली है। आप लोगों को पता ही चले कि इस मूवी का क्रेज इतना ज़्यादा बना हुआ है कि इस मूवी को लोग देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हैं। हालांकि इस मूवी की तरफ से एक छोटा सा जो कि वीडियो रिलीज किया गया था कि टाइगर मिसिंग है, उस टाइटल में लिखा गया था। आप लोगों को पता ही चले कि यानी कि मेकर्स ने जो कि ट्रेलर और टीजर नहीं रिलीज किया है, ट्रेलर और टीजर आएगा। और आप लोगों को बता दें कि मेकर्स ने बहुत ही दमदार तरीके से जो कि इंट्रोडक्शन दे दिया है टाइगर मूवी का, और सलमान खान उस जो कि छोटे से क्लिप में यानी कि छोटे से वीडियो में धमाकेदार लुक में लग रहे थे। और साथ ही साथ आप लोगों को बता ही चले कि गजब के एक्शन सीन भी उसमें कुछ देखने को मिले हैं। अब दोस्तों, ट्रेलर बहुत ही फाड़ आने वाला है, बहुत ही ढांसू आने वाला है, इसी महीने में आएगा, लेकिन कब आएगा मेकर्स ने रिलीज डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन जब भी आएगा जो कि सारे ऑडियंस का दिल जरूर जीतेगा। आप लोगों को पता ही चले कि 10 नवंबर के दिन फिल्म रिलीज होने वाली है सलमान खान की फिल्म टाइगर। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए है और इस फिल्म में आप लोगों को इमरान हाशमी विलन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे जो कि सलमान खान से फाइट करते हुए नजर आने वाले हैं। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि इस फिल्म में आप लोगों को शाहरुख खान भी बहुत ही दमदार और जोरदार लुक में देखने को मिलने वाले हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, इमरान हाशमी जो कि तीनों के तीनों इसमें जोरदार तरीके से आप लोगों को फाइट करते हुए नजर आएंगे। वहीं कैटरीना कैफ भी कुछ कम नहीं दिखने वाली हैं इसमें, वो भी बहुत ही जोरदार तरीके से फाइट करते हुए नजर आएंगी। और इस बार जो कि कैटरीना कैफ कुछ अलग ही रूप में देखने को मिलने वाली हैं आप लोगों को। और वहीं दोस्तों, टाइगर 3 मूवी का क्रेज और बस इसी कारण और भी ज्यादा बना हुआ है। बात करें इस मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो जिस तरीके से इस फिल्म का क्रेज और बना हुआ है अभी तक, तो यह फिल्म अपने पहले ही दिन 80 से 90 करोड़ रुपए की बम्पर ओपनिंग ले सकती है और कुछ कहा नहीं जा सकता उससे ज़्यादा की भी ओपनिंग ले सकती है। तो दोस्तों, आप लोग सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी का जो कि वो छोटा सा वीडियो टाइगर मिसिंग है देखा है, तो आप लोगों को वो वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी मूवी की, तो आप लोगों को पता ही चले कि सलमान खान के बाद जो कि दूसरी मूवी जो कि रिलीज कर दी गई थी जो कि 5 तारीख के ही दिन आज उस फिल्म का दूसरा दिन है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो कि नए सुपरस्टार राजवीर देवल की फिल्म दोनों मूवी की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, राजवीर देवल ने भी जो कि बॉलीवुड में दमदार तरीके से कम बैक कर लिया है दोनों मूवी को, जो कि आज दूसरा दिन है बॉक्स ऑफिस पर और यह फिल्म दूसरे दिन भी अच्छा खासा
रिस्पॉन्स हासिल कर रही है और ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हो रही है। आप लोगों को पता ही चले कि राजवीर देवल की फिल्म जो कि दोनों मूवी जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को जो कि अविनाश एस बड़जात्या ने लिखा है और वहीं आप लोगों को पता ही चले कि सूरज आर बड़जात्या और वहीं दोस्तों जिस तरीके से ये फिल्में बनाते हैं और जिस तरीके से इनकी फिल्मों की स्टोरी रहती है बहुत ही प्यारी रहती है और ऑडियंस देखना पसंद करती है और इसी कारण इनकी हर फिल्में रोमांटिक चलती ही चलती है। हर फिल्म में रोमांटिक बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, वही का वही रहता है, लेकिन जो कि आप लोगों को बताए चले कि अवनीश एस बड़जात्या अपनी हर रोमांटिक फिल्मों में कुछ नया, कुछ हटके, कुछ जोरदार करने की कोशिश करते हैं और ऑडियंस को पसंद भी आता है। आप लोगों को बताए चले कि दोनों मूवी कल के दिन रिलीज़ हुई थी, इसे अच्छा खासा रिव्यू मिला पब्लिक की तरफ से, पब्लिक ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और वहीं आप लोगों को बताए चले कि दोनों मूवी को आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से और ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही है। आप लोगों को बता दें कि दोनों मूवी को देखा सनी देओल ने और आप बताई चले कि बहुत ही ज्यादा तारीफ करी। जब स्टोरी में दम रहता है ना साहब, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हर एक स्टार तारीफ करता है। हालांकि सनी देओल ने जिस तरीके से गदर मूवी दी, अभी उन्हीं के बोलबाले हैं, हर तरफ लोग उनसे मिल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें कि उनके बेटे ने भी दोनों मूवी से दमदार तरीके से बॉलीवुड में एंट्री कर ली है और दोनों मूवी बहुत ही जोरदार है। अब जितने भी वरुण धवन हो गए, जितने भी लोग हैं, अब दंग होने वाले हैं क्योंकि देओल परिवार एक बार फिर से कम बैक कर चुका है। बॉबी देओल ने तो तबाही मचाई है, लेकिन आप बता दें कि उनके जो कि छोटे बेटे ने भी तबाही मचा ही दी है बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि राजवीर देओल और वह दोस्तों कनिका कपूर भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। इस फिल्म ने अपने पहले दिन जो कि 5 करोड़ रुपए की अच्छी खासी ओपनिंग ले ली है, वहीं दूसरे दिन अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी दिखा रही है और ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हो रही है। आप लोगों ने सही सुना, यह फिल्म अपने दूसरे दिन कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है। थोड़ा सा कम ले रही है ओपनिंग क्योंकि आप लोगों को पता चले कि मिशन रानीगंज रिलीज हो चुकी है, इसी कारण थोड़ा सा कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिल सकता है दोनों मूवी में, लेकिन आप लोगों को बता दें कि दोनों मूवी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। वहीं बात कर लेते हैं जो कि तीसरी मूवी के बारे में, तो आप लोगों को पता ही चले कि आज ही के दिन सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, मिशन रानीगंज को आज के दिन सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया और यह फिल्म अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी दिखा रही है बॉक्स ऑफिस पर और ऑडियंस का दिल भी जीतने में कामयाब हो रही है। आप लोगों ने सही सुना, जो कि मिशन रानीगंज जो कि एक सच्ची रियल घटना पर आधारित फिल्म है और वहीं दोस्तों 1989 में जो कि रानीगंज में कोल्ड फील्ड को किस तरीके से पतन यानी कि ख़त्म किया गया था उसको बताया गया है इस मूवी में। और वहीं आप तो बता दें कि अक्षय कुमार एक बार फिर से धमाकेदार तरीके से जो कि मिशन रानीगंज से बॉलीवुड में वापसी कर चुके हैं। हालांकि कुछ समय से अक्षय कुमार की मूवियां चल नहीं रही थी, लेकिन मिशन रानीगंज को अच्छे खासी फैन फॉलोइंग मिल रही है और साथ ही साथ ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा पसंद भी कर रही है। इसका पहला शो हाउसफुल चल रहा है और धमाकेदार तरीके से रिव्यू भी मिल रहे हैं ऑडियंस की तरफ से। आप लोगों को बताए चले कि मिशन रानीगंज में सीन बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही दमदार हैं, हर एक सीन में जो कि आप लोगों को जो कि डर लगने वाला है, जो कि आप लोग चौंक जाने वाले हैं, ऐसे ऐसे सीन हैं। और इसके बावजूद आप लोगों को बताइए चले कि इसमें आप लोगों को थोड़ा सा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को बता दें कि अक्षय कुमार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं और वहीं दोस्तों इस फिल्म में उनके अपोजिट परिणीति चोपड़ा नज़र आने वाले हैं। आप लोगों को बताइए चले कि अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की जोड़ी पसंद कर रहे हैं लोग। आप लोगों को बता दें कि अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा को बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार भी दिखाते हैं क्योंकि इनकी एक्टिंग में दम रहता है। और वहीं दोस्तों परिणीति चोपड़ा जो कि अब भी बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इन्होंने भी बहुत ही लंबे समय के बाद जो कि फिल्मों में वापसी करी है, लेकिन बहुत ही दमदार कर रही है। बात करें इस मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स इस कलेक्शन के बारे में, थी यह फिल्म अपने पहले ही दिन कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है और सारे हेटर्स की बोलती बंद कर रही है। और वहीं अगर आप लोगों ने मिशन रानीगंज देखी है तो आप लोगों को अक्षय कुमार स्टारर फिल्म मिशन रानीगंज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ आप लोगों को दोनों मूवी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी का आप लोग कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।